तो ये देखिए हमारा कुल्थी की सब्जी बनके तैयार है फाइनली। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबुत कुल्थी की सब्जी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कुल्थी की सब्जी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 250 ग्राम कुल्थी लिया है, उसे आप चाहे तो रात भर पानी में भिगो के रख सकते हैं और या तो चाहे तो ऐसे आप कुकर में इसे बॉयल कर लेंगे। तो हमने कुकर में इसे अच्छे से बॉयल कर लिया है, लगभग 5 से 6 सीटी मीडियम फ्लेम पर लगा के पकाया है। आप पहले से भिगा के रखेंगे थोड़ी जल्दी बन जाएगी। तो ये देखिए हमारा बॉयल हो चुका है। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेज़पत्ता, फिर थोड़ी सी खड़ा जीरा इसमें ऐड करेंगे, ये लगभग आधी चम्मच के आसपास। उसके बाद इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे, तीखा आपको जैसा पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं तीखा। और मिर्ची को अच्छे से हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे प्याज ऐड करेंगे इसमें। प्याज हमने एक मीडियम साइज़ का लिया है इसमें, और उसको इस प्रकार से कुछ बारीक बारीक चॉप किया है। आप चाहे तो प्याज इसमें और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो टेस्ट। उसके बाद ये देखिए हमारा प्याज अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का हम इसमें पेस्ट डालेंगे। तो लहसुन हमने 6 से 7 कलियाँ लिया है और अदरक जो है 1/2 इंच के आसपास टुकड़ा। तो उसे भुनने के बाद हम फाइनली लास्ट में टमाटर ऐड करेंगे इसमें। टमाटर हमने एक मीडियम साइज़ का लिया है, उसे भी बारीक बारीक चॉप किया है। और इन सब मसाले को हम बिल्कुल मीडियम टू लो पे पकाएंगे। उसके बाद इसमें नमक इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमारा टमाटर ये पानी छोड़ चुका है नमक डालने के बाद। तो अब हम इसमें फाइनली मसाला ऐड करेंगे। मसाले में हमने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और सब्जी मसाला, ये जो कि लगभग सारे मसाले को हमने बराबर मात्रा में लिया है, लगभग 1/2 चम्मच के आसपास। तो मसाले डाल के हम इसे अच्छे से भुनेंगे। आप चाहे तो थोड़ी सी पानी ऐड करके भी यहाँ पर मसाले को भून सकते हैं। हमारा तो यहाँ ऑलरेडी टमाटर पानी छोड़ चुका था। तो अब हम ये फाइनली बॉयल किया हुआ कुल्थी, साबुत कुल्थी जो है उसको डालेंगे। इसे हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में कुर्थी भी बोलते हैं। तो ये देखिए, और अब हम इसमें यहाँ पे पानी ऐड कर लेंगे। इसको जितना गाढ़ा कम ज़्यादा रखना हो उस हिसाब से आप पानी ऐड करें इसमें। ये बहुत ही फायदेमंद होता है शरीर के लिए फ्रेंड्स, कुल्थी की दाल या तो साबुत कुल्थी बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे सेहत के लिए। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे लास्ट में गरम मसाला ऐड कर देंगे, लगभग 1/2 चम्मच के आसपास। तो ये फाइनली हमारा कुल्थी की सब्जी बनके तैयार है फ्रेंड्स। देखिए हमारा इस प्रकार से कुछ थिकनेस है इसका, आपको गाढ़ा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसे। तो है ना बिल्कुल झटपट बन के तैयार, बहुत ही कम समय में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और ये फ़ायदेमंद तो बहुत ही ज़्यादा है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस प्रकार का है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। ये बहुत ही टेस्टी और शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए
उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो। हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।